देखो मुद्दा है किसान की समस्त कर्जा माफी का, मुद्दा है बिजली का जिसमें सरकार ने बेतहा वृद्धि कर दी, हम उसे देने में असक्षम हैं। बिजली के बिल जहां 3 रुपये बिल था आज वहां 8 रुपये, एक हॉर्स पावर यानी कि एक यूनिट के 8 रुपये दिए जा रहे हैं। अब किसान कहां से दे पाएगा? उधर हमारे बच्चे बीमार हो रहे, भूख घर में वो है, फीस नहीं जा रही बालकों की। इधर बिजली का बिल में क्या है, गन्ने हमारा पेमेंट तो दे नहीं रही सरकार। 8-8 10 हज़ार रुपये पर बिजली वाले हमारी आरसी काट तो फिर रहे, करोड़ों रुपए ये लोगों को वहाँ व्यापारियों को वो दे रहे कर्जा, उनकी नीलामी नहीं कुछ नहीं, और किसी किसान पे 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये उस पर आरसी काट के उसके घरों पुलिस बटा रहे हैं। ये मुद्दा है बेरोजगार भाइयों बहनों की, उस बेरोजगारी का जो उनसे हमें दूध दे देगा, हमने पढ़ाए जमीन बेच कर हमने पढ़ाए और आज में हमारे बीच में खेती कर रहे हैं। किसान आज भुखमरी पर बैठा है, अनाज किसान के घर में इसलिए खाना मिल रहा है, अगर अनाज किसान के पास नहीं होता तो खाना भी नहीं मिलता, भूखा मर जाता। साल का अनाज का खाने का स्टॉक रखता है, उसके साथ नमक की कंकड़ी यानी कि नमक और लाल मिर्च होती है, वो मिर्ची को पीस के उससे चटनी बन। मुद्दा है नदियों का, उन नदियों का जिन्हें हम पहले पानी पी रहे थे जिनका, आज उनमें कोई ऐसी आवाज़ हम निकल भी नहीं रहे, आज में हमें कैंसर दे रही, कल वो हमारे लिए जीवनदायी नहीं थी। मुद्दा है किसानों की पेंशन का। 15 सूत्री हमारी इसमें मांग है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी मांग है पहले नंबर की वो है किसान समस्त किसानों का कर्जा मुक्त। दूसरे नंबर की मांग है भारत सरकार में जितने भी सदनों के सांसद विधायक हैं, भारत सरकार में या राज्य सरकार में भी, उन सभी सदनों के मेंबरों की पेंशन बंद होनी चाहिए। जो आवारा पशु हैं जैसे गाय बछड़े भागे जो फिर रहे हैं, इनके लिए प्रति किसान को 300 रुपये पर डे देने चाहिए जिससे उनकी खुद देख रेख कर सकें। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। बिजली की दर जो है यूपी में पहले 30% और 15% लगातार बढ़ती जा रही है, वो कम होनी चाहिए। बेरोजगार जो युवा हैं जो आपको काफ़ी मात्रा में मेरे जैसे दिखाई दे रहे होंगे, उनको 15,000 रुपये कम से कम भत्ते के रूप में देने चाहिए जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती। ऐसी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना, ऐसी तमाम मांगों को लेकर हम ये यात्रा 11 दिन से बराबर पैदल निकलते हुए लेके आ रहे थे दिल्ली, जो आज यहाँ पर दिल्ली गेट पर रोक दी गई। अभी बात एक नहीं, बात बहुत सारी है। अगर हम बात करें तो जितने वादे हर गवर्नमेंट करती है इन्होंने उससे भी ज़्यादा वादे करे हैं, उन वादे पर एक भी काम नहीं है। अगर आप गाय का मसला लें, आवारा पशु जो घूम रहे हैं, इन्होंने 30 रुपया पर डे के हिसाब से इन्होंने रख दिया कि 30 रुपये में हम किसान को देंगे, किसान भी क्या गौशाला के लिए। अगर 30 रुपये में योगी जी गौपालक हैं, अगर 30 रुपये में उनकी गाय का पेट भरता हो तो हमें 25 दे दें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ जो शोषण होता है हम उसका विरोध करना है और किसी कीमत मानेंगे नहीं। जब यो किसान 125 अरब लोगों का, करोड़ लोगों का पेट भर रहा, यो अपने घुंटे पे गाय को नहीं पाल सकता क्या? क्या सरकार गौशालाओं तक गांव को सुरक्षित कर देगी? गायें सुरक्षित गौ चराण से हो सके, गायें सुरक्षित यदि हो सके तो वो मात्र किसानों के घर पर खुंटे पर हो सके। इसलिए गौशालाओं में पैसा बिरान न करके 300 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु रोज किसान को दिया जा तो एक भी गाय कहीं छुट्टी नहीं मिलेगी सरकार। अच्छा सरकार की क्या बात है, कोर्ट की नहीं मानते भाई? कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 14 दिन में पेमेंट देना चाहिए और नहीं तो ब्याज देंगे। ब्याज तो क्या देंगे, अब 14 दिन में हमारा पेमेंट भी नहीं दे रहे। आप पार्ले जी का बिस्कुट खरीदने जाओ, 2 रुपये का 5 रुपये का 10 रुपये का आएगा, उसका रेट तो तय करती है सरकार, और हमारा जो गन्ना है उसका रेट तय करती है कंपनी। मतलब हमारा गन्ना हम रेट खुद तय करेंगे उसका। हमारी डिमांड ये है जी, हमारे ना तो गन्ने की पेमेंट आती है, ना ही हमारी कोई कहीं सुनवाई है, और हमें जो लोन माफ़ी की बताई गई वो लोन भी माफ़ हमारी नहीं हुई, ऊपर से हम बैंक ब्याज के कर्जे में और दबे। 40 रुपये किलो आप चीनी देते हो तो कम से कम 400 रुपये कुंटल तो गन्ना देना चाहिए आपको। 295 रुपये प्रति कुंटल की लागत आ रही है, खर्चा आ रहा है, और रेट है 320 का, जो वो भी समय पे नहीं मिलता। पूर्ण रूप से मजबूत तरीके से हमें आश्वस्त किया है और हर स्टेप की जानकारी भारतीय किसान संगठन को
संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल जी के माध्यम से कराई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सारे मुद्दों का समाधान कराने का आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के साथ मिलकर उन्होंने कराने का दिया है। 5 मुद्दों का निस्तारण आज उनके माध्यम से हो गया है। आंदोलन हमारा ना वापसी हुआ, ना आंदोलन हमारा खत्म हुआ, ना हमारा आंदोलन समाप्त हुआ। हमारी बस सिर्फ एक बात है कि 5 बात हमारी मान ली गई, जिसमें गोवंश मुद्दा था, किसान दुर्घटना बीमा योजना था, गन्ना भुगतान था, नदियों का मसला था, वो हमारा मान लिया गया। लेकिन हमारी 10 बात अभी 10 अधिकार हमारे नहीं माने गए, तो उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन देश में होंगे उनसे हमारी वार्ता होगी, बात होगी, और उसके बाद फिर हम निर्णय लेंगे। हालात ये है कि हम किसी भी कीमत या तो हमारी बातों को मानेंगे, अन्यथा जब तक अनशन चलेगा तब तक अनशन देंगे। भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अगर खुदा ना खास्ता अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं।